हम तुमसे एक ही सवाल करेंगे और जवाब में हमें सिर्फ सच चाहिए। पूछ कर तो देखो राजा जी, इस गणी बावरी के जुबान से सच के अलावा और कुछ निकला तो राम करे हमारी जुबान काट कर नीचे गिर जाए। क्या तुमने हमारी अंगूठी चुराई है? ना, मैंने थारी अंगूठी ना चुराई। ये सच तो से पर पूरो सच ना से। तो पूरा सच क्या है? तो पूरो सच ये से कि मैंने थारी अंगूठी ना चुराई राजा जी। हमारे पर गोली चलाने के बाद थारा सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए मैं थारे को थारे कमरे ले गई, थारे को लेटाया और तब थारी दूची लुगाई कमरे में आ गई। उसने मुझे थारे कमरे में देखा और मारे को भला बुरा कहने लगी। फिर उसने मारे को कुलकचनी कहा और अंगूठी चुराने के झूठे इल्जाम में मारे को महल से बाहर फेंक दिया। आप ही सोचो राजा जी, मैंने अंगूठी चुराई होती तो मैं पे यहाँ क्यों पड़ी होती? अब तक में तो मैं हवा हो गई होती। अगर तुम सही कह रही हो तो फिर रागेश्वरी हमसे झूठ क्यों बोलेगी? अब इसका जवाब तो थारी लोगा ही दे सके, बाकी सिर्फ अंदाजा लगा सके। इंसाफ अंदाजों पर नहीं सबूतों पर होता है। तो सबूत खट्टा मैं कर लूंगी। अगर वो अंगूठी इस महल में से ना मिली ना तो मैं हमारी सारी भैंस हारने के लिए तैयार से हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अंगूठी ढूंढ सकती हो? अगर आप हमारा साथ देंगे ना राजा जी तो गधे के सर से गायब सिंह ढूंढ लूंगी। तो अंगूठी के चीज से राणा जी आप इसे महल में वापस ले आए? आप इसे कैसे कर सकते हैं राणा जी? एक नौकरानी की बातों में आकर आप हमें झूठा मान रहे हैं? आज से झूठ और सच का फैसला हम करेंगे। तुम सावित्री पर इल्जाम लगा चुकी हो, अब सावित्री को वो इल्जाम झूठा साबित करने का मौका मिलेगा। आज तो राणा जी पुराने राणा जी की तरह बात कर रहे हैं। सावित्री का कहना है कि अंगूठी इसी महल में है और वो अंगूठी ढूंढ कर अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है। सावित्री पूरे महल में अंगूठी ढूंढेगी और जब तक उसे अंगूठी नहीं मिल जाती या वो अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेती तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा और कोई नहीं आएगा। राजा जी थारी अंगूठी मिल गई। ये थारी अंगूठी तकी के नीचे पड़ी थी। ये तो हमारी अंगूठी है। सावित्री सही कह रही थी, उसने अंगूठी नहीं चुराई। राणा जी ये आपकी अंगूठी नहीं हो सकती। तुम अंगूठी के मिल जाने से खुश नहीं लग रही? नहीं नहीं राणा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सावित्री हमारी रानी ने तुम पर शक किया, तुम पर गलत आरोप लगाकर तुम्हें नौकरी से निकाला। हम उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं और तुम्हें वापस इस महल में नौकरी पर रखा जा रहा है। अपनी सगी लुगाई के खिलाफ जाकर अपने मारे पर विश्वास किया, यो होवे से एक रच्चा का इंसाफ। सावित्री एक तुम ही हो इस महल में जिस पर हम विश्वास करते हैं। पता नहीं क्यों पर बाकी सब कोई ना कोई मकसद लेकर आए हैं पर तुमने महल में या तो लोग हमसे डरते हैं या फिर हमसे नफरत करते हैं, या तो हमसे कुछ चाहिए होता है या फिर हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, इसलिए कोई हमें पूरा सच कभी बताता ही नहीं है। बस तुम एक ही हो इस महल में जो हमसे पूरा सच बोलने का साहस रखती हो। एक तुम ही हो इस महल में जिसका कोई छुपा हुआ मकसद नहीं है। राजा को चापलूसों की जरूरत नहीं, सच बोलने वालों की जरूरत होती है।